गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, ये है आपकी वर्कशीट नंबर 25। मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा। आपकी क्लास है 9th, सब्जेक्ट है इंग्लिश, और ये जो वर्कशीट है ये 1 सितंबर की वर्कशीट, ठीक है। सो ये देखिए, द एडवेंचर ऑफ टोटो, ये आपका एक चैप्टर है इंग्लिश का, लेकिन इसको हमने कॉम्प्रिहेंशन पेसेस की फॉर्म में दिया हुआ है। अब ये जो कॉम्प्रिहेंशन है इसको आपको पढ़ना है, और उसके बाद इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्या करना है, उनका आपको जवाब देना है। तो देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ द एडवेंचर ऑफ टोटो, तो हमें पहले क्या, पहले क्वेश्चन में किसका जवाब देना है, ऑथर का जवाब देना है। जब भी कॉम्प्रिहेंशन दिया होता है तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, ताकि जब हम पैराग्राफ करें तो हम अच्छे से ये ध्यान रख सके, ओके ये वाला क्वेश्चन था, इसका आंसर यहाँ पर है। टोटो वॉज अ प्रेटी मंकी बिकॉज, प्रेटी बहुत प्यारा मंकी क्यों था वो। अब ग्रैंड फादर टुक विद हिम, टोटो को किस तरीके से लेके गया था। तो चलिए अब हम करते हैं अपने पढ़ते हैं इसको। होता क्या है कि द एडवेंचर ऑफ टोटो वॉज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड, तो ये हमारा किसका आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। द ऑथर्स ग्रैंड फादर, जो ऑथर होते हैं रस्किन बॉन्ड होते हैं, उसके जो दादा होते हैं, उनको जो एनिमल्स जो होते हैं बहुत पसंद होते हैं। फॉन्ड ऑफ होना कि किसी कोई चीज बहुत ज्यादा पसंद होना। ही हैड हिज प्राइवेट जू, उनका अपना एक प्राइवेट जू था जिसमें वो कछुआ, रैबिट्स, स्क्वेरल्स जो होती हैं, बकरियां, उनको रखते थे। वंस ही बोट ए टोटो, उन्होंने एक टोटो को खरीदा। टोटो क्या था, एक मंकी था, बेबी मंकी था, ठीक है। किससे खरीदा, टोंगो ड्राइवर से खरीदा। कितने रुपए में खरीदा, 5 रुपए में खरीदा। वो बहुत ही प्रीटी मंकी था, बट वेरी नोटी और डिस्टर्बिंग था, बहुत नोटी और डिस्टर्बिंग था, ओके। सो यहाँ पे देखिए, अनदर्स यानी कि जो ऑथर होते हैं उनकी जो ग्रैंड मदर होती है, फर्स्ट वेन एवर ग्रैंड फादर बोट सम न्यू एनिमल्स और बर्ड्स, जब भी वो कोई नए पशु पक्षी लेकर आते, जो उनकी जो ग्रैंड मदर होती है वो उनको गुस्सा करती, तो इसी वजह से जो टोटो का अराइवल था उसको सीक्रेट रखा गया। तो जो ग्रैंड फादर होते हैं वो एक बार देहरादून जाते हैं कुछ काम के लिए, तो टोटो को वो पीछे जो कैनवस का बैग है एक बैग में रख लेते हैं, लेकिन टोटो जो होता है पोक्ड आउट यानी कि एकदम से बाहर आ जाता है, और जो बैग होता है उसमें से बाहर निकल के देखता है, जो टिकट कलेक्टर होता है वो उसको देख लेता है, और ग्रैंड फादर को 3 रुपए एज ए फाइन देने पड़ते हैं। तो देखो 5 रुपए में तो उसको खरीदा था, ठीक है, और 3 रुपए यहाँ पे फाइन के दे दिए गए। अभी देखिए आप क्या करते हैं, टोटो महाशय, व्हेन टोटो वाज फाइनली एक्सेप्टेड, फिर घर में मान लिया गया कि ठीक है भाई, अब तो उसको एक स्टेबल में रख दिया गया, कंफर्टेबल होम स्टेबल। स्टेबल क्या होता है, जहाँ पर गधे घोड़ों को रखा जाता है, जिसको अस्तबल भी बोला जाता है। देयर ही कैप्ट ट्रबलिंग नाना, नाना कौन था, एक डंकी था, ठीक है। नाना के साथ उनको रखा गया, जहाँ पे वो नाना को परेशान करने लगा। टोटो बहुत ही नूटी था, बहुत ही डिस्टर्बिंग था। वो ही एंजॉयड वार्म वाटर बाथ इन कोल्ड विंटर इवनिंग, ठीक है, उसको जो गर्म पानी था वो पसंद था। व्हेनेवर ही वेंट टू टेक बाथ, जब भी वो नहाने के लिए जाता, ही चेक द टेम्परेचर, वो टेम्परेचर को चेक करता, फर्स्ट देन टुक द बाथ, और उसके बाद क्या करता, क्या करता, अपना जो बात है नहाता उसके बाद, ठीक है। एज ही हैड सीन ग्रैंडफादर डूइंग सो, ऐसा क्यों करता था, क्योंकि ग्रैंडफादर भी ऐसे ही करते थे, पहले क्या करते थे, पानी का टेम्परेचर चेक करते थे फिर नहाते थे, तो इसी तरीके से वो करता था। ही वॉज ऑलवेज अप टू सम और अदर मिस्चीफ्स, मिस्चीफ्स होता है शरारते, कुछ ना कुछ गड़बड़ करता ही रहता था हमेशा। उसको उसने जो पर्दे थे वो फाड़ दिए थे, कपड़े थे, वॉल पेपर था, जो डिशेज थी वो भी क्या करती थी, ब्रोक कर दी थी। टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पैट दे शुड कीप फॉर लॉन्ग, टोटो ऐसा पेट नहीं था जिसको बहुत टाइम तक रखा जा सके। फाइनली ग्रैंडफादर रिटर्न्ड हिम टू द टोंगा ड्राइवर, फाइनली जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने टोंगा ड्राइवर को उसको दे दिया, कितने रुपए में, 3 रुपए में। तो देखो 3 रुपए तो फाइन लग गया, 5 रुपए में उसे खरीद के लाए थे और 3 रुपए उसको वापस करने में लग गए, ठीक है। तो ये देख लीजिए, उसको काफी नुकसान हो गया बेचारे को, सारा देना ही देना पड़ा। तो यहाँ पे देखिए, उसको टोटल 11 रुपए, और पहले के टाइम में यहाँ पे ऑथर के भी दादा की बात हो रही है, ठीक है। ऑथर ने जब ये पोयम लिखी होगी तो डेफिनेटली जब ये कॉम्प्रिहेंशन ये चैप्टर लिखा होगा तो श्योरली वो काफी बड़े होंगे, तो उनके दादा यानी कि बहुत टाइम में जो रुपए होते थे, 11 रुपए की बहुत वैल्यू होती थी। अब देखिए क्वेश्चन करेंगे, हु इज द ऑथर ऑफ द एडवेंचर ऑफ टोटो, सभी को पता है क्या है, रस्किन बॉन्ड। टोटो वॉज प्रीटी मंकी बिकॉज वॉज अट्रैक्टिव, हैड ब्राइट आईज, हैड पर्ली व्हाइट टीथ। देखो वैसे तो इनमें से हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ, कॉम्प्रिहेंशन में नहीं दिया हुआ, अगर यहाँ पे नन ऑफ दीज का ऑप्शन होता तो भी हम लगा सकते थे, लेकिन ये आपके चैप्टर में ये सारे फीचर्स दिए हुए हैं, तो चैप्टर जो है आपका उसके अकॉर्डिंग उस वो अट्रैक्टिव भी था, ब्राइट आईज भी थी और पर्ली वाइट टीथ भी थी उसके, तो आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज, ओके।
तो ये चैप्टर के अकॉर्डिंग है, और अगर कंप्रीहेंशन के अकॉर्डिंग करें तो ये कोई भी चीज़ नहीं दी हुई और नन ऑफ दीज ऑप्शन भी नहीं है, तो आंसर फिर भी ऑल ऑफ दीज ही आना। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट। ग्रैंडफादर टुक टोटो विद हिम टू डैश इन अ, कहाँ गया था? देहरादून लेके गए थे कैनवस बैग में। व्हेन टोटो गॉट एक्सेप्टेड ही वाज प्लेस्ड अलोंग विद नाना द फैमिली डंकी इन अ स्टेबल। ओके, नेक्स्ट, टोटो डैश चेक्ड द टेम्परेचर ऑफ अ वाटर व्हेन ही वेंट टू टेक बाथ। व्हाई डिड ग्रैंडफादर रिटर्न टोटो टू टोंगो ड्राइवर, क्योंकि वो उसको रख नहीं पा रहे थे। दे वर नॉट वेल टू डू, टोटो ब्रोक डिशेस, टोटो टोर, होता है फाड़ना, कर्टन्स और क्लॉथ, ऑल ऑफ दिस का आंसर आ जाएगा। टोटो वाज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट दे कुड कीप फॉर, टोटो ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा पेट नहीं था जिसको ज्यादा लंबे समय तक रखा जा सके। वॉट वुड यू हैव डन विद टोटो इफ यू वर इन प्लेस ऑफ ग्रैंड फादर? श्योरली या तो उसको अपने पास रखते, सोल्ड हिम, नेवर brought him, या फिर sent him to a zoo. तो I think उसको जू में भेज देते, क्योंकि जू में जितनी भी उसको उछल कूद करनी है तो वो अपनी आराम से कर पाता। ठीक है ना, बेचना तो वो किसी और के पास जाके परेशान करता। तो मैं अगर होती, आप अपना ओपिनियन लिख सकते हैं, मेरे अकॉर्डिंग मैं उसको जू में भेज देती। टोटो वॉज mischievous monkey, बहुत ही शरारती मंकी था। बट देन ही should we shall leave the animal if we cannot take care of them? Is it ethical to do so? देखो, अगर एक जो एनिमल है, ठीक है, अगर आपको परेशान कर रहा है तो क्या हो, डिपेंड करता है, मे बी इथिकल, ऐसा इथिकल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो मैं आंसर यहाँ पर मे बी लगाऊंगी, बिकॉज डिपेंड करता है कि कितना मिस्चीवियस है। अगर बहुत ज़्यादा मिस्चीवियस है, अगर वो बहुत ही ज़्यादा घर का नुकसान कर रहा है, तो डेफिनेटली हमें उसको क्या करना पड़ेगा, लीव करना पड़ेगा, चाहे जू में ही छोड़ के हैं, लीव कर रहा है, सेल और लीव दोनों ऑप्शन दिए हुए। तो जब जैसा कि मैंने ऊपर चूज किया था कि मैं उसको जू में छोड़ के आऊँगी, और ये भी डिपेंड करता है कि मे और मे बी, तो ये भी कि भाई छोड़ के आऊंगी, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि मिस्चीवियस है, तो वो कह रहा है कि इथिकल, इथिकल यानी कि क्या ये सही है कि हमें एनिमल्स को छोड़ देना चाहिए? भाई अगर वो परेशान कर रहे हैं तो उनको घर में नहीं रखा जा सकता ना। तो यस, इट इज इथिकल टू डू सो अकॉर्डिंग टू मी। आप मे भी लगा सकते हैं, अगर आपको ज्यादा ही पशुओं से प्यार है तो आप नो भी लगा सकते हैं, या फिर एनी अदर, जो भी आप रीजन लिखना चाहें यहाँ पर लिख सकते हैं, जो सजेस्ट करना चाहें। ओके, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। अगर आपको हमारे जो वर्कशीट्स हैं वो पसंद आती हैं, आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, चीज़ें समझ में आती हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ये वीडियो और लोगों तक भी पहुँचे। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।